नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं, किस तरह से कंप्यूटर में हमें किस तरह के स्क्रीन दिखेगी, कैसे हम उसमें अलग अलग ऑप्शंस को चुनते हैं, किस तरह से बेसिक जो कार्य है कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, उसके बाद उसमें अगर हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, मान लीजिए हमें सिंपल कुछ कैलकुलेशन ही करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक्स जो हमने पिछली कक्षाओं में भी डिस्कस किए थे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यही टर्म्स अभी हम और रिवाइज करेंगे और इनको समझेंगे। और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में भी हमें बात करनी है। तो आज की कक्षा में हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें कवर करेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर की जो टर्म्स हैं, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, उन पर भी फोकस करेंगे, और फिर प्रैक्टिकली हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में अपने आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कंप्यूटर ऑन करके उस पर कार्य करना है, किस तरह से आपको दिखेंगी चीज़ें और कैसे आप उनको सेलेक्ट करके अपना कुछ कैलकुलेशन है, या मान लीजिए आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, राइट? तो आज हमको देखना है कि कंप्यूटर, जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किए थे, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स, और हमने देखा था कि कंप्यूटर को जब हम देखते हैं, हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो उसके दो तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, और दूसरी तरफ कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग, राइट, जिसके द्वारा कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए डेटा पर कार्य कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, या हम कहें सॉफ्टवेयर में आती हैं वो इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ही कंप्यूटर कार्य करता है, राइट? तो कंप्यूटर के पार्ट्स पे हमने बात की, हार्डवेयर पार्ट्स की। हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से हैं अगर इसको हम क्लासिफाई करें, तो एक तो इनपुट डिवाइसेस, फिर हमने बात करी आउटपुट डिवाइसेस की, और दूसरा क्या है, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइसेस में हमने डिस्कस किया कि कीबोर्ड है, जिसमें लगी हुई जो कीज हैं उनको प्रेस करके आप इनपुट देते हैं। मान लीजिए आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं, तो लेटर टाइप करते वक्त आपको जो जो कैरेक्टर्स लिखने हैं, आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं, वो सब उसके लिए आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में लगी हुई है कीज, उन कीज को प्रेस करके आप इनपुट दे सकते हैं। इसी प्रकार से माउस, माउस में जो बटन्स लगे हुए हैं वो भी कुछ सिलेक्शन के लिए, इनपुट्स देने के लिए, राइट, उनको काम में लिया जाता है। इसी तरह से और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया था, लाइक स्कैनर है, स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, कोई फोटो या कोई भी अन्य चीज जो हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास एक लेटर है, अब उसको अगर हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर में प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, हम उसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन क्या करेगा, स्कैनर क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा, रीड कर लेगा, और वो पूरा का पूरा जो फाइल है आपकी, या डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, वो आपको कंप्यूटर में प्राप्त हो जाएगा, राइट? फिर वहां आप उसको सेव करके उसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, किसी भी प्रकार के चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, इसी प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर के वो हार्डवेयर पार्ट्स जिनसे हमें कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है उसका आउटपुट हम देख पाए। अब ये आउटपुट हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, या हम इस कागज को प्रिंट कर सकते हैं,
कागज पर प्रिंट कर सकते हैं हम इस आउटपुट को, राइट? तो मॉनिटर, प्रिंटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप कोई आपने इसमें ऑडियो कोई चलाया तो उसको आप सुन रहे हैं, स्पीकर आपने अटैच किए हुए हैं, तो ये स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं, राइट? तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था कि इनपुट और आउटपुट के बीच में है प्रोसेसिंग, कि जो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से प्राप्त करना चाहते हैं उसको ये प्रोसेस करता है। जैसा कि हमने कहा, कंप्यूटर में आपका डेटा कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक सुरक्षित भंडारित रह सकता है। तो अगर आप उस डेटा को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग, कि भाई आपको जो इसकी मेमोरी है वहां से वो फैच करके आपको डेटा देगा, आप उसमें चेंजेस करेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे या जो भी कुछ, राइट? इसके अलावा जैसा कि हमने कहा, कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द जो है कहां से आया है? कंप्यूट यानी कि गणना। तो बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या है? गणना करना। और ये गणना केवल अरिथमेटिक यानी कि नंबर वाली गणना, प्लस माइनस करना ही नहीं है। कंप्यूटर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस भी कर सकता है। लॉजिकल कैलकुलेशंस का अर्थ क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है कंप्यूटर, राइट? तो इससे आप केवल न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के अलावा लॉजिकल कैलकुलेशंस, यानी कि इसमें हमारे पास कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है कि हम इफ अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या डिसीजन लेना है, इस तरह के अलग अलग एक्शंस और डिसीजंस के जो रूल्स हैं वो हम इसको इंस्ट्रक्शन के तौर पर देते हैं, और फिर ये उनके बेसिस पर कार्य कर जो करेक्ट आउटपुट है वो हमें प्रदान करता है, राइट? तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है ये कहाँ होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आपने अपने कंप्यूटर से अटैच डिवाइसेस को देखा, इनपुट आउटपुट कीबोर्ड माउस जो डिवाइसेस हैं, स्क्रीन, वो आपको दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आपको कंप्यूटर के साथ क्या दिखाई देता है? कैबिनेट दिखाई देता है। उस कैबिनेट में क्या है, ऐसा क्या है उसमें जिससे कि सारी जो ये काम हो रहे हैं ये आपको ऐसा लगता है ऑटोमेटेड सा, कि आपने कुछ दिया और वहां आपके पास एक फाइल तैयार होकर आ गई, राइट? तो किस तरह से चीजें हो रही हैं? तो ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है ये किस वजह, कौन सी यूनिट है जो इन सब प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रही है? वो है सीपीयू। हम शॉर्ट में कई बार बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? जो कि प्रोसेसिंग करता है। ये जो भी आपकी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह हो रही हैं वो कहां हो रही हैं? सीपीयू के अंदर, राइट? अब इस सीपीयू के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इस सीपीयू को हम इसकी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसमें क्लासिफाई करके देखते हैं। सीपीयू, इसकी एक यूनिट है एएलयू, एक है सीयू और एक है मेमोरी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी भी तीन इकाइयां हैं। एक इकाई जहां पर आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, एक यूनिट जिसमें कि सारे जो ये सिग्नल्स हैं, इनपुट्स लेना, आउटपुट देना, प्रोसेसिंग करना, कब क्या करना है, इस सब को कंट्रोल करने का कार्य, कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजने का कार्य कि कब क्या करना है, अब क्या करना है, राइट? ये सारा कंट्रोल करना, राइट, नियंत्रित करना, उसके लिए इकाई है। एक इकाई है जो कि आपके डेटा को भंडारित करने का कार्य कर रही है, राइट? तो एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यही वो यूनिट है जिसमें आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, जितनी भी हम जैसे बोल रहे हैं कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसके माध्यम से अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस संभव हो पाती हैं। तो सीपीयू का वह पार्ट जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट इन सब डिवाइसेस, ये जो हमने देखे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स, इन सब को कंट्रोल करना, इन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना, राइट, इन सब को बताना कि अब ये चीज करनी है। इन सबको अपना कार्य पता है, कीबोर्ड को पता है कि कीबोर्ड को क्या करना है, मॉनिटर को पता है मॉनिटर को क्या करना है, लेकिन इन सारे डिवाइसेस का जो वर्क है, जो कार्य है, उसको कोऑर्डिनेट, इनको कब ये चीज करना है, तो इसके लिए कंप्यूटर क्या करता है, इन पार्ट्स को सिग्नल भेजता है, राइट, जिससे कि उनको पता चलता है कि अब ये टास्क हमें परफॉर्म करना है। तो ये जो सिग्नल्स भेजने का काम है, इन सब पार्ट्स को, कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके उनको उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाता है। ये कार्य किसका है? सीपीयू की किस इकाई का है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही वह यूनिट है, वह इकाई है जो कंप्यूटर के सारे जो कार्य हैं उनको कोऑर्डिनेट, उनमें सामंजस्य बिठाना, कब क्या करना है, ये सारी चीजें नियंत्रित जो करने का कार्य है वो कंट्रोल यूनिट का है, राइट। मेमोरी, सीपीयू या हम कहें एएलयू को जिस डेटा पर कार्य करना है वो कहाँ है? आपने यहां पर एक फाइल खोली, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो परमानेंटली कहाँ होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी अलग अलग प्रकार की है, कोई बड़ी मेमोरी है, कोई छोटी मेमोरी है, कोई फास्ट मेमोरी है, कोई स्लो मेमोरी है, मेमोरीज भी अलग अलग प्रकार की है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या हम कहें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है वो डेटा पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको फॉलो करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये डेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये रहता है मेमोरी के अंदर। मेमोरी में होगा तभी तो कंप्यूटर इन डेटा पर, इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य कर पाएगा, राइट। तो मेमोरी का कार्य क्या है? मेमोरी का काम है डेटा, इंस्ट्रक्शन या जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको स्टोर करना, राइट। तो स्टोर करने का कार्य करती है मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। अब ये जो डेटा स्टोर होता है ये स्थाई हो सकता है या अस्थाई हो सकता है, यानी कि टेम्पररीली डेटा स्टोर होता है या परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। तो इन दोनों चीजों के बेसिस पर, इस चीज के बेसिस पर कि डेटा परमानेंटली स्टोर होता है या टेम्पररी स्टोर हो रहा है या परमानेंटली स्टोर हो रहा है। टेम्पररी और परमानेंट का मतलब क्या है? जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, हमारे पास डेटा है, हमारे पास मान लीजिए कोई फाइल है, जब इस कंप्यूटर को हम बंद कर देंगे, बंद कर देने का अर्थ क्या है कि जब हमने इसको ऑफ कर दिया, यानी कि अब इसके पास विद्युत सप्लाई जो है वो नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, कंप्यूटर बंद, और डेटा जो है वो क्या, जब हम दोबारा इस कंप्यूटर को ऑन करेंगे क्या हमें डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेमोरी भी दो प्रकार की है, परमानेंट और टेम्पररी। अगर आपने कुछ टेम्पररी जो मेमोरी है उसमें अगर डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, तो कंप्यूटर बंद कर देने के बाद जब हम पुनः इसको ऑन करेंगे हमें वह डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ डेटा परमानेंटली कंप्यूटर पर स्टोर्ड है, भंडारित है, तो कंप्यूटर ऑफ कर दीजिए, कंप्यूटर दोबारा से ऑन करने पर भी आपको वह डेटा वहां पर मिलेगा, यानी कि आप डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं अगर डेटा परमानेंटली
परमानेंट मेमोरी जो है उसमें स्टोर है, राइट? तो ये चीज समझ में आती है, मेमोरी भी दो प्रकार की है, कैसी? परमानेंट एंड टेम्पररी। तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, दो तरह की मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब टेम्पररीली आपका डेटा स्टोर है, नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी, राइट? दोनों में अंतर हमें समझ आ रहा है। एक टेम्पररी मेमोरी है यानी कि जिस समय हमारा कंप्यूटर ऑन है और उसमें हम डेटा देख रहे हैं, तो अगर वो टेम्पररी मेमोरी में है तो हम उस वक्त उसको देखेंगे, उस पर कार्य कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे और जब दोबारा हम इसको ऑन करेंगे तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी, वो फाइल, वो डेटा, वो हमें नहीं मिलेगा। अगर कौन सी मेमोरी से, अगर हम हमारा जो डेटा है वो वॉलेटाइल मेमोरी में है यानी कि टेम्पररी में है। अगर परमानेंटली हमने उसको स्टोर कर दिया है तो फिर आप महीनों बाद या सालों बाद भी अगर उसको एक्सेस करना चाहेंगे, उस फाइल को, उस डेटा को देखना चाहेंगे, तो आप देख पाएंगे, उसको ओपन कर पाएंगे, उसमें चेंजेस कर पाएंगे, राइट? तो ये हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, हार्डवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर में ये सारी चीजें आती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है वो, मेमोरी, राइट, कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीजें मिलकर बनता है हमारा हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अलग हमने दूसरा टर्म क्या डिस्कस किया था? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स तो हैं और वो सब अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? कंप्यूटर उसको दिए गए निर्देशों के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई इस चीज को ऐसे करना है, उसको सब चीज आपको बतानी होगी, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, तो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम करता है कंप्यूटर। अब हमने क्या बात की? इंस्ट्रक्शंस। एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराने के लिए कई तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, राइट? एक कोई काम कराना है कंप्यूटर से तो उसके लिए सेट ऑफ, जैसे स्टेप्स होती हैं, कोई कार्य आपको करना है तो उसकी हर एक कार्य की स्टेप्स होती हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप पहला नंबर लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे और तीसरे स्टेप में उन दोनों को ऐड कराएंगे और फोर्थ में आप उसका आंसर बताएंगे। स्टेप्स होती हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी स्टेप्स में लिखी होती है, यानी कि कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक कार्य के लिए, राइट? तो कई सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके बनता है प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या है? अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जिसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिख रखी हैं। एक प्रोग्राम है अर्थात एक पर्टिकुलर कार्य कराने के लिए आपने कुछ चीज, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? कई सारी इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक कार्य कराने हेतु लिखी गई इंस्ट्रक्शंस। तो एक प्रोग्राम में कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर कंप्यूटर कार्य कर पाता है, राइट? आप बताएंगे उन इंस्ट्रक्शंस में कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको कहां डिस्प्ले करना है, राइट? और इससे अगर हम आगे बढ़े तो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम। एक सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है?
कंप्यूटर को आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर काम कर पाता है। तो इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो बही खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनकी सार संभाल के लिए हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी। उन इंस्ट्रक्शंस, कई सारी इंस्ट्रक्शंस थी, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बन गए, और ये सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी अकाउंट्स हैंडलिंग के पर्पस के लिए है। इसी तरह से आप कोई और टास्क के लिए या कुछ और कार्य के लिए, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बना दें जिसमें आप अपनी फाइलों को मैनेज कर पाएंगे, आप अपने फाइलों में एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, तो एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर कई सारे कार्य करवाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस। इसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर में कई सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे और उनके अंदर लिखी हुई होंगी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, राइट? चलिए बच्चों, यहां पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, हम प्रैक्टिकली भी आज थोड़ा सा कंप्यूटर पर करके देखेंगे कार्य, कि कैसे ओपन होता है, कैसे इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, हम कैसे कीबोर्ड माउस काम में लेंगे। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम कंप्यूटर पे कार्य करके देखेंगे। चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने बात करी कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स की, और आपने देखा सॉफ्टवेयर, तो ये ठीक उसी तरह से हो गया। हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम देख रहे हैं,
जिनसे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, राइट। और प्रोसेसर सीपीयू, जहां पर सारी प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा डेटा भी भंडारित हो रहा है, राइट। और इसके अपोजिट है सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली क्या है, कंप्यूटर का जैसे कि हमने कहा दिमाग, राइट, जहां पर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। मतलब सॉफ्टवेयर जैसे हमने बोला, तो सॉफ्टवेयर जिसमें बेसिकली क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर काम करता है। अब बच्चों, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर तो वो है जिसको हम काम में ले रहे हैं, राइट, और एक सॉफ्टवेयर वो है जो कि हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यूजर कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर अपने आप उनको कार्य में लेता है। तो जैसे अगर हम कहें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो कि यूजर काम में लेता है और उसको काम में लेकर वो अपनी फाइल क्रिएट कर रहा है या अपने डेटा को मैनेज कर रहा है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कि एंड यूजर के लिए बनाए गए हैं, आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, आप उनको काम में ले सकते हैं। और तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको काम में लेकर आप अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है, या मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई लेटर लिखना है, राइट। तो ये सारे कार्य करने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। हम अपने कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं और उनको काम में ले सकते हैं, राइट। तो एक तो हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम काम में लेते हैं, और दूसरे सॉफ्टवेयर कौन से हुए जो कि कंप्यूटर कार्य में लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके कंप्यूटर का जो लुक एंड फील है वो कैसे है। कंप्यूटर काम तो सभी कंप्यूटर्स कर रहे हैं, राइट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए हम कंप्यूटर को काम में ले रहे हैं, सभी कंप्यूटर्स तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कंप्यूटर है उस पे क्या आप देखकर चीजों को सेलेक्ट करके काम कर पा रहे हैं, या मान लीजिए आपको हर एक काम करने के लिए कुछ टाइप करना होता है और फिर आप कर पाते हैं। कंप्यूटर का लुक एंड फील कैसा है, कंप्यूटर का जो बेस है आपका वो किस प्रकार का है, क्या आपको उस पर इंस्ट्रक्शंस लिख लिख के कार्य करना होता है। मान लीजिए आपको कोई फाइल ओपन करनी है, तो क्या वो फाइल ओपन करने के लिए आप कोई कमांड लिखेंगे। तो हमारे जो कंप्यूटर हैं ये कमांड ड्रिवन हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करें और वो इंटरफेस जो है वो हम काम में लें। जैसे कि अब हम इस कंप्यूटर पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर इस कंप्यूटर पर हमें एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है एक स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, और ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर चित्र नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है आइकन्स। क्या बोलते हैं इनको, आइकन्स। देखिए यहाँ पर ये एक आइकन है, इसी तरह से ये एक आइकन है। ये जो आइकन है ये अलग अलग एप्लीकेशंस को दर्शा रहे हैं। जैसे ये एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप जो वेब कंटेंट है उसको देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से
आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ते हैं, आपको कोई चेंजेस करने हैं या जो भी कुछ चीजें हैं वो करते हैं। तो इस तरह से यहां पर ये अलग अलग क्या हैं, अलग अलग आइकन्स हैं जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को, अलग अलग फाइल्स को, अलग अलग फोल्डर्स को दर्शा रहे हैं, राइट? तो जब भी हम इस तरह का कोई हमें कंप्यूटर पे दिखाई देता है, जैसे यहां पर हम देखकर चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये कंप्यूटर है, इस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इस पर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, जो कि हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या अर्थ है कि आप यहां पर कोई भी चीज देख पा रहे हैं, देखकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए एक और आपको यहां पर दिखाती हूं मैं, मान लीजिए कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलती है आपको, जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते इस तरह की एक स्क्रीन आती। यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके आपको एक फाइल ओपन करनी है या आपको कुछ लेटर बनाना है या आपको कुछ और कार्य करना है, तो उसको उसके लिए आपको यहां पर कमांड जो है वो टाइप करनी पड़ेगी, राइट? लेकिन अभी जो हमने इंटरफेस देखा उसमें क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहां पर हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पर अलग अलग आइकन्स हैं और भी कई चीजें हैं जिनको हम विस्तार से समझेंगे, राइट? तो इधर हम फोकस करेंगे। तो हमने देखा सॉफ्टवेयर में कई तरह के होते हैं, जैसे हमने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक और तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने एक स्क्रीन देखी, उस स्क्रीन पर अलग अलग आइकन्स थे, जैसा कि मैंने आपको कहा इनमें से कुछ आइकन्स एप्लीकेशन को दर्शा रहे हैं, मतलब कि आप उन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो एप्लीकेशन रन हो जाएगी, आपके कंप्यूटर पर रन हो जाएगी। तो उस एप्लीकेशन में जो जिस भी तरह की एप्लीकेशन है, मान लीजिए ड्राइंग बनाने की एप्लीकेशन है, तो आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्राइंग बना पाएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए है, यूजर के लिए है, एंड यूजर। एंड यूजर कौन होता है? जो इस कंप्यूटर को कार्य में ले रहा है। तो यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर है उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जिन सॉफ्टवेयर से हम डील नहीं करते, जिनसे केवल कौन डील करता है? कंप्यूटर खुद, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कौन काम में लेता है? यूजर, उपयोगकर्ता। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन काम में लेता है? कंप्यूटर खुद। कंप्यूटर ने अपने लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं वो कैसे सॉफ्टवेयर में लिख रखी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। उन सॉफ्टवेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये सॉफ्टवेयर किसके काम का है? कंप्यूटर खुद अपने कार्यों को, कंप्यूटर को बहुत से कार्य करने हैं। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेकर क्या कर रहे हैं? अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर क्या करता रहता है? अपने कार्य, आपके जो कार्य हैं उनको करने के लिए भी इसे कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस क्या करेगा? वो कहां से इसको मिलेंगी? वो उसको मिलेंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर से। कंप्यूटर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस रिलेटेड कार्य करता है, राइट? तो वो सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शन उसको कहां से मिलती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर हम एग्जाम्पल देखें
तो जैसे कि हमने कहा कि हमने कोई पेंटिंग एप्लीकेशन खोली है, इस पेंटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, उसमें कलरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की फाइल खोल एक एप्लीकेशन कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम फाइलें बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह की ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनको यूजर काम में लेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम उदाहरण लें तो इसका बेस्ट उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया ये बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। और यहां पर हमारा जो कंप्यूटर है ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का हो सकता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का हो सकता है, जैसे हमने उदाहरण लिए विंडोज, लिनक्स, डॉस, राइट। तो इस तरह से दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर खुद कार्य में लेता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको यूजर काम में लेता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन से हो गए, लाइक कोई पेंटिंग एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर्स, या कोई हम इसमें लेटर लिख रहे हैं, हमने कोई नोटपैड ओपन किया है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, राइट। जैसे अभी हमने कहा हम विंडोज पे कार्य कर रहे हैं, तो विंडोज है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हम एग्जांपल दें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, राइट। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या अंतर है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लुक एंड फील का अंतर मिलेगा। कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, वो हमें इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर हम चीजों को देखकर उनको ओपन कर सकते हैं, या हमें जो भी कुछ कार्य करना है वो हमें हमें दिखेगा। और दूसरे होते हैं कमांड ड्रिवन, कमांड ड्रिवन जिसमें हमें कुछ भी काम करना है उसके लिए हमें एक कमांड याद रखना होगा, राइट। हमें एक कमांड याद रखना होगा और उस कमांड के बेसिस पर ही कार्य होगा। जो कमांड आप लिखेंगे वो कार्य होगा। आपको एक फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए जो कमांड आपको बताया गया है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने गलत कमांड लिख दिया तो गलत काम हो जाएगा, राइट। जो आप करना चाहते थे वो नहीं होगा। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें एक इंटरफेस मिलता है जिसके माध्यम से हम आसानी से काम कर पाते हैं, राइट। तो जैसे ये यूनिक्स हमने कहा, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हमें कमांड्स लिखकर अपना कार्य कराना पड़ता है। हमें बता दिया जाता है अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप लिखेंगे एडिट, आपको फाइल कॉपी करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा COPY। तो इस तरह से कमांड्स जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको ऐसा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सब चीजें दिखाई दे रही हैं, आप चीजों को माउस के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आपको फाइल ओपन करनी है आपको फाइल दिखाई दे रही है, आप फाइल पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, माउस के द्वारा ओपन कर लेंगे, कीबोर्ड के द्वारा ओपन कर लेंगे। तो ये जो विंडोज है, लिनक्स है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं, ये कमांड ड्रिवन नहीं है। इनमें आपको एक स्क्रीन मिलेगी, उस स्क्रीन पर आपके पास अलग अलग आइकन्स होते हैं, और आप फोल्डर्स में जा सकते हैं, आप वहां पर अपनी फाइलों को देख सकते हैं,
फिर आप कीबोर्ड या माउस के द्वारा सेलेक्ट करके उनको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, उसके क्या कार्य होते हैं? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आपने कहा फाइल ओपन करनी है या ये सब जो है, ये सब टास्क तो है ही, उसके अलावा आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस जो फंक्शंस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही परफॉर्म करे जाते हैं, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर कब हमारे कंप्यूटर में स्टार्ट होता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। आपको पता है यहाँ जो कंप्यूटर है हमारे पास, उसमें एक कैबिनेट है, हम कैबिनेट पे लगे हुए बटन को, आप जब कंप्यूटर लैब में जाएंगे आप कंप्यूटर को देखेंगे, जो कैबिनेट आपके साथ आपके कंप्यूटर के साथ है उस पर एक बटन लगा हुआ है, उस बटन को जब आप प्रेस करेंगे कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। कंप्यूटर के ऑन होते ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाता है, राइट? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो कब लोड होते हैं? एक बार वो लोड हो गए उसके बाद आप जब उनसे काम करना चाहें आप उनको ओपन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं जब यूजर चाहेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने आप लोड हो जाता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, जैसे ही ऑन किया ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, और फिर आपने देखा देखेंगे आप जब ऑन करेंगे कई चीजें इसमें चलती रहती हैं, एक ब्लैक सी स्क्रीन मिलेगी, कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और फाइनली जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो आपने अभी जो स्क्रीन देखी कुछ उस प्रकार की स्क्रीन आपको मिलेगी। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, और आपको डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको उस तरह की स्क्रीन नजर आती है। फिर आप कमांड्स लिखकर या अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चीजों को अपने कार्यों को कर सकते हैं, राइट? तो आज बच्चों हमने केवल कुछ बेसिक्स कवर करे, हमने कुछ पॉइंट्स, हमने जिससे आपको ये टर्म्स क्लियर हो, आपको पता चले कि कैसे कंप्यूटर ऑन होता है, जब ऑन होता है तो क्या होता है, ये चीज हमने देखी, और थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि किस तरह की स्क्रीन है। तो आपको अगर मौका मिले लैब में जाने का, आप वहां पे देखिएगा कंप्यूटर को ऑन करके किस तरह से क्या प्रक्रिया चल रही है, उसको वॉच कीजिएगा, और फिर जब फाइनली हमें एक स्क्रीन मिलती है हम उसमें लॉग इन करते हैं, हमको जो अकाउंट नाम पासवर्ड दिया जाता है उससे हम कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं, और फिर हमें यहाँ पर जैसे कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, आप देखेंगे उसमें अलग अलग आइकन्स हैं स्क्रीन पर, उनको सेलेक्ट करिएगा माउस के द्वारा, ओपन करके देखिएगा, तब आप देखेंगे कि किस तरह से कितनी आसानी से हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। चलिए बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।